चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अपडेट भदोही से है, वहां पर युवकों ने अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाया। दोस्तों के जन्मदिन पर एक दूसरे को बेल्ट से पीटा गया और इसका वीडियो वायरल हो चुका है। रजपुरा चौराहे के तहसील परिसर के पास का यह मामला बताया जा रहा है। जन्मदिन में एक दूसरे को बेल्ट से पीटा है लोगों ने, यह है सेलिब्रेट करने का इनका अनोखा तरीका। भदोही की घटना है, इसका वीडियो वायरल हो चुका है। दोस्त के जन्मदिन पर एक दूसरे को बेल्ट से पीटा गया और ऐसे जश्न मनाया गया। रजपुरा मंडी पर यह घटना हुई, भदोही में इसका वीडियो वायरल है। रजपुरा चौराहे के तहसील परिसर के पास का ही सारा मामला है। अजीबोगरीब तरीका, एक दूसरे को बेल्ट से पीटकर जश्न मनाया गया जन्मदिन का। जन्मदिन का मौका था, मित्रों ने एक दूसरे को बेल्ट से पीटा और सेलिब्रेट किया। भदोही की घटना, रजपुरा मंडी की इसका वीडियो वायरल। रजपुरा चौराहे के तहसील परिसर के पास का मामला है। आपने तमाम तरीके देखे होंगे जन्मदिन मनाने के, लेकिन यह बिल्कुल अनोखा और अलग। अगली अपडेट प्रयागराज से है। माफिया मुख्तार की पत्नी पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। मुख्तार की पत्नी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मुख्तार की पत्नी को ईडी ने रिमाइंडर नोटिस भेजा है और बयान दर्ज न कराने पर अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अफशा अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है, रिमाइंडर नोटिस है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। पहला नोटिस मिलने पर अफशा अंसारी नहीं पहुंची थी, बयान दर्ज नहीं कराया अगर उन्होंने तो कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है ईडी के द्वारा। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास पहले से ही जेल में बंद है। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। जांच एजेंसी ईडी ने अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को रिमाइंडर का नोटिस जारी किया है। अफशा अंसारी को बयान दर्ज कराने के लिए एक बार फिर से बुलाया गया है। पिछली बार जब ईडी ने नोटिस जारी किया था, समन जारी कर अफशा अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो अफशा अंसारी बयान दर्ज कराने के लिए प्रयागराज के इस दफ्तर में नहीं आई थी। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी कराया था। यही वजह है कि ईडी ने अब रिमाइंडर नोटिस जारी किया है और ईडी के सूत्रों का दावा है कि अगर अफशा अंसारी इस बार भी बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचती हैं तो ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है। और जो सूत्र हैं, सूत्रों के मुताबिक अगर अफशा अंसारी अब बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के दफ्तर नहीं आती हैं, ईडी को सहयोग नहीं करती हैं, तो ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तारी कर सकती है। यानी साफ कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार के परिवार से जल्द ही तीसरी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी की टीम ने जांच जो है अपनी लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। चार्जशीट दाखिल करने से पहले वो एक बार अफशा अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी है, उनका बयान दर्ज करना चाहती है और अगर जरूरत पड़ती है तो ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार भी करेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।